हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। जब बात दिल्ली की आती है तो बात दिल से निकलती है। क्यों दिल से निकलती है ये मैं आपको नहीं बताऊंगा, ये बात आपको आपका दिल बताएगा। क्यों? क्योंकि दिल्ली आप आते हो और दिल्ली को देखे बिना चले जाते हो। अब क्यों दिल्ली को देखे बिना चले जाते हो ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अभी जहाँ मैं खड़ा हूँ शायद आप लोगों में से कोई यहाँ पे आए होंगे और पहली बार देखेंगे तो बता भी नहीं सकेंगे कि ये कहाँ हूँ मैं। 3 साल दिल्ली में पढ़ा, 1 साल कोचिंग किया, फिर 3 साल के लिए तुर्की चला गया। लेकिन मैं इस तरह की चीज़ों को लगभग मतलब एक्सप्लोर किया ही नहीं कभी। तो मैं आपको आज दिखा रहा हूँ 13वीं शताब्दी में ये बनाया गया छोटा डोम जिसको गुंबद बोलता है, ठीक है। इसको टर्किश में शायद खुब्बे बोलता है, ऊपर में टूट गया है। ये अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया है। ये कहाँ है? हौज खास का जो डिस्ट्रिक्ट पार्क है वहाँ पे मौजूद है। और हौज खास का जो डिस्ट्रिक्ट पार्क है वो कैसा है उसको मैं दिखाता हूँ। ये देखिए, असल में मसला ऐसा है कि हमारे हुक्मरान जो हैं, लीडर, आर लीडर, ठीक है, ऑनरेबल लीडर, व्हेन यू आर गोइंग टू टेक द नेम ऑफ लीडर्स यू शुड मेंशन ऑनरेबल। व्हाई? बिकॉज ऑल द लीडर्स बियर द टाइटल ऑनरेबल। सिंस आई डू नॉट लाइक एनी लीडर्स, एनी एग्जिस्टिंग लीडर राइट नाउ, सो व्हेन आई हैव टू चूज ऑनरेबल आई चूज selectively. Why selectively? I call leaders only to those who is more educated to me, who is educated than I, who is smart and who is a just loving. Because a leader must carry 4-5 features, 4-5 principle. He should be a just loving. He should be fair in all sort of decisions. Number 3, he should be a visionary. Visionary means every time should be in the run or in the efforts to develop the country, to do something for the welfare of the society. So, chalo Hindi mein bolte hain. Let's come to Hindi because Hindi is our state language. Please note a point here. Hindi is not a national language. हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा नहीं है। हिंदी इज़ नॉट अ नेशनल लैंग्वेज, हिंदी इज अ स्टेट लैंग्वेज। इन इंडिया वी हैव 22 नेशनल लैंग्वेजेज। इफ वी हैव टू से नेशनल, वी हैव 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेज, दैट्स द करेक्ट वन। सो वी शुड रिस्पेक्ट ऑल द लैंग्वेजेज, वी शुड प्रोटेक्ट इट, वी शुड प्रिजर्व इट एंड वेन एवर वी गेट द अपॉर्चुनिटी we should utilize it as per our comfort. Suppose if you went to, suppose if you go to southern state, they might not be comfortable in Hindi, so we can easily use English over there. तो मैं इस पार्क के बारे में बता रहा था। I was just talking about this particular park. This park is situated in Hauz Khas near RK Puram metro station और IIT गेट। यहाँ पे क्या क्या है? यहाँ पे देखिए ये खूबसूरत मंजर है और इसके बिल्कुल नज़दीक में एक वो है, क्या कहते हैं, इसके नज़दीक में हौज खास कम्प्लेक्स है जहाँ पे 14वीं 15वीं 16वीं शताब्दी के जो हुक्मरान थे, बादशाह थे, वो इस इलाके में रहते थे और अपने ज़िंदगी को, अपने मस्ती को अपने अनुसार यहाँ पे गुजारा करते थे। देखो स्मार्ट बॉय, स्मार्ट बॉय क्या है, कुरकुरे, एंजॉय ब्रो। तो ये चीज़ें भाई, दुनिया को जानो, घर से बाहर निकलो, इल्म हासिल करो। अरे इल्म ऐसी हासिल करो
जहाँ से तुम कुछ सोच सको, समझ सको, जब कोई प्रॉब्लम उठाओ, व्हेन यू आर गोइंग टू रेज एनी क्वेश्चन, यू शुड ऑल्सो थिंक अबाउट द पॉसिबल सिंप्लीफिकेशन ऑफ दैट प्रॉब्लम. व्हाई आई एम टॉकिंग अबाउट सिंप्लीफिकेशन, लुक एट सॉल्यूशन एंड सिंप्लीफिकेशन हैज़ टू थिंग्स. सपोज इफ यू से सर डू यू हैव एनी सॉल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम, सॉल्यूशन माइट बी लिटिल कॉम्प्लिकेटेड. व्हाई इट शुड बी और माइट बी लिटिल कॉम्प्लिकेटेड, बिकॉज मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम दैट वी फेस इन डे टू डे लाइफ डू नॉट हैज 100% सॉल्यूशन, बट वी हैव सिंप्लीफिकेशन, वी कैन सिंप्लीफाई द प्रॉब्लम. सिंप्लीफाई मीन्स सपोज इफ यू आर बियरिंग 50 kg ऑफ वेट राइट नाउ, if we simplify it you might have to bear only 25 kg. So the best word which can be used is simplification. And I'm also idhar dikha raha hu aapko.